भाजपा ने वर्ष 2014 की तरह ही इस बार भी उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी को पिछली बार की तुलना में 9 सीटें बेशक कम मिली हों, लेकिन महागठबंधन रूपी बड़ी चुनौती के बावजूद भाजपा का राज्य की 62 सीटों पर कब्जा करना किसी करिश्मे से कम नहीं है। पार्टी के वोट शेयर में इस बार जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछली बार पार्टी को 42% वोट मिले थे, तो वही इस बार यह आंकड़ा 50 तक जा पहुंचा है। सपा बसपा के महागठबंधन को सिर्फ 15 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस मुश्किल से अपनी एक सीट ही बचा पाई। मोदी वेव इतनी जोरदार थी कि राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट से हाथ धो बैठे और उन्हें स्मृति ईरानी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजों में मायावती को सबसे बड़े गेनर के तौर पर देखा जा रहा है, जिनकी पार्टी को इस बार 10 सीटों पर जीत मिली है, जबकि पिछली बार उनको एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। इस साल जनवरी में जब सपा और बसपा ने इन चुनाव में साथ आने का फैसला लिया था, तो यह माना जा रहा था कि महागठबंधन भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जातीय समीकरण भी महागठबंधन के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे थे। हालांकि चुनावी नतीजों का विश्लेषण करने से यह साफ होता है कि महागठबंधन का यह फॉर्मूला सिर्फ चंद सीटों पर ही चल पाया। बसपा का वोट बैंक मुस्लिम बहुल और अन्य सुरक्षित सीटों पर तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन बाकी सीटों पर गठबंधन का जातीय समीकरण काम नहीं कर पाया। यह भी देखने को मिला कि जिन सीटों पर जिस जाति का वर्चस्व था, उन सीटों पर उसी जाति का उम्मीदवार हार गया और भाजपा को जीत मिली। यही कारण था कि यादवलैंड माने जाने वाली कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा, इटावा और बदायूं जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और यादव परिवार के 3 सदस्य भी चुनाव हार गए। यदि अखिलेश यादव को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत भी फीकी ही रही। मैनपुरी से चुनाव जीतने वाले मुलायम की रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया जा रहा था, लेकिन वो 94,389 वोटों से ही जीत हासिल कर सके और ये तब हुआ जब इस बार सपा और बसपा गठबंधन कर साथ चुनाव लड़ रहे थे। कुल मिलाकर इन चुनाव में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान हुआ, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन से सबसे ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि रामपुर, संबल, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, लालगंज और आजमगढ़ जैसी सीटों पर मायावती का जातीय समीकरण काम करता दिखा। जातिगत राजनीति के फेल होने के अलावा समाजवादी पार्टी को चाचा शिवपाल ने भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाकर मैदान में कूदे शिवपाल खुद तो फिरोजाबाद से हार गए, लेकिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की नैया डुबाने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दूसरी तरफ मायावती ने इन्हीं चुनाव नतीजों में सबसे ज्यादा फायदा उठाया। इसका फायदा उन्हें वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। खैर, इन लोकसभा चुनाव के नतीजों से बसपा सपा के जरिए प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने में कामयाब रही है। इस बात का अंदाजा पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पहले ही लगा चुके थे, तभी तो वो नहीं चाहते थे कि सपा बसपा से हाथ मिलाए। अगर ये बात अखिलेश यादव ने पहले ही समझ ली होती तो शायद सपा के समक्ष अस्तित्व बचाने का खतरा इस तरह से सामने नहीं आता।